हाँ तो गाइस, आज तुम्हारा भाई जा रहा है मिलिट्री बेस और भाई साहब अपनी स्क्वाड के साथ सबसे पहले लैंड करने वाले हैं हम। देखो यार, अगर आप भी मेरी तरह हॉट ड्रॉप करना चाहते हो तो यार सबसे पहले लैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको फास्ट लैंडिंग की बेनिफिट्स बता देता हूँ, वो हम थोड़ा लेट लैंडिंग के बेनिफिट्स देख लेते हैं। देखो यार, अगर आप लेट लैंडिंग करते हो तो आपको तो पहली बात एनिमी की लोकेशन पता चल जाएगी और आपकी पेटी उतनी ही देर में बनेगी। मतलब आप जितना देर में लैंड करोगे उतनी देर में आपकी पेटी बनेगी। बाकी आपकी जिम्मेदारी आप खुद समझो कि आपको क्या करना है। वैसे भी मेरी कोई टिप्स कहाँ फॉलो करता होगा। अगर मान लो फॉलो करते हो तो मैं आपको कुछ सजेशन दे देता हूँ। आप लोग ना फास्ट लैंडिंग करो। देखो, फास्ट लैंडिंग में क्या बेनिफिट है, आप जितनी जल्दी लैंडिंग करोगे उतनी जल्दी आपकी पेटी बनेगी, उतनी जल्दी आप लॉबी जाओगे और आप जितनी जल्दी लॉबी जाओगी उतनी जल्दी आपको दूसरा मैच स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट जानकारी दिया है मैंने, तो थैंक यू तो बोल ही देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मैं आपको क्लच दिखाता हूँ। क्लच तो जोनाथन भी दिखाता है, लेकिन मैं रियल हीरो हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको रियल क्लच दिखाऊँ ना। तो मैं आपको रियल हीरो की तरह हार्ड वाला क्लच करके दिखाता हूँ। और ये क्लच कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, इसको केवल 1% लोग कर सकते हैं एक में से, और वो 1% वाला बंदा मैं हूँ। और उस क्लच का नाम है कैंपिंग क्लच, जो नॉर्मल पीपल नहीं कर सकते। कैंप करने के लिए जिगरा चाहिए, जो कि हर आदमी के पास होता है। अब देखो कैसे मैं जनरेटर से बंदों को मारता हूँ। भाई साहब, हाथ में जनरेटर हो ना, कहो खुद लॉबी पहुंच जाओ या तो पहुंचा दो। खैर, अभी हमारा कैंपिंग क्लच कामयाब हो गया है, अब इन दोनों को मार देते हैं शॉटगन से। और भाई साहब, हमारी स्क्वाड को देखो, अभी तक नहीं आए, जैसे ही पेटी बनाए सब आ गए। वैसे हमने ही बुलाया था। अबे साले, क्या करे यार, हमको भरोसा नहीं था ना अपने ऊपर, नहीं M249 के ऊपर। भाई साहब, कुछ गन्स ना बेवफा होती हैं। खैर छोड़ो, अभी हमारे यहाँ पे पूरे 2 किल हो चुके थे और तीसरा किल हमको दिख गया था, जिसको हम मारने की कोशिश करते हैं लेकिन साला भाग जाता है। लेकिन तो क्या हुआ, लॉबी भेजेंगे। ये गाइस बहुत ज़्यादा प्रो था, लेकिन दिखता बोर्ड जैसे था, लेकिन खैर छोड़ो, प्रो था तो था। अब गाइस, हम मजे में लूट ही रहे होते तभी एक बंदा भाई साहब टावर वाला हमारा पूरा मजा खराब कर देता है। अब गाइस, हम भी ठहरे प्रो प्लेयर, बदले में हम भी जोश जोश में स्प्रे दिए, लेकिन वो नॉक नहीं हुआ। फिर गाइस, हमने कहा इससे ज़्यादा और हमारी बेइज्जती हो और वो हमको नूब समझ के रस करे, उससे पहले हम ही रस कर देते हैं। और भाई साहब, हमेशा की तरह बीच में कोई पेटी मिले तो उसको लूटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले खुद लूट जाओ। अब यार, रस करने में हमारी फटती भी थी, लेकिन रस करने से मर थोड़ी जाएंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेने करे बाबा। लेकिन यार, रिस्क है तो पेटी है, उसकी ना सही हमारी सही। लेकिन गाइस, फिर भी हम रस कर देते हैं। और गाइस, जैसे हम ऊपर आते, भाई साहब हमारी ऐसे बेइज्जती करते यार, ना कोई कैंपिंग ना कोई TPP, कोई खौफ ही नहीं भाई हमारे रस करने का। हम ही एक ऐसे चूतिए थे जो बिना मतलब के भाई साहब खौफ पैदा किए जा रहे थे, रिस्क है ये है वो है। उसके बाद गाइस, हम यहाँ पे आते, यहाँ पे हमारे टीममेट किसी से हाथापाई कर लेते हैं। अब भाई साहब, यहाँ पे पूरी स्क्वाड होती है। अब देखो, हम आपको दिखाते हैं पेटी, अपनी नहीं एनिमी के। और भाई साहब, यहाँ पे जितनी भी तुमको पेटियाँ दिख रही ना, समझो मैंने ही बनाई है, समझो क्या, मैं ही बना रहा हूँ। और भाई साहब, देख रहे हो ना, हवाबाजी पूरे भाई, 3 बंदे मारे मैंने पूरे, गिनती नहीं आती, नहीं तो और मार देता। अब भाई, हमारा दिल कहता है इमोट कर ले, लेकिन मन कहता है कि पहले पेटी लूट ले। इमोट तो तू लॉबी में भी जाके कर सकता है। अब गाइस देखो, हम आपको एक और क्लच दिखाते हैं। हालांकि हम भी बीच में 2-3 बार नॉक हुए, लेकिन यार इज्जत बन रही तो क्यों बिगाड़े, है ना। अब भाई साहब देखो, सामने ओपन में पूरी स्क्वाड फंस गई है और उसका एक बंदा नॉक हो गया। हमने भाई फुल डोज में, मतलब जोश में रस कर दिया। देखा, पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिए भाई। और भाई साहब, हमारे उधर 2 टीममेट आपस में एक दूसरे की रिवाइव भी करते रह गए और हमने इधर क्लच मार दिया। हालांकि अभी हम पीछे का सीन दिखाए तो करीब 10 मिनट तक हम नॉक हुए, रिवाइव हुए हैं। फिर गाइस, हमको गुस्सा आया तो हमने रस कर दिया, क्योंकि भाई आज हमारे साथ एक लड़की खेल रही थी तो यार इज्जत का सवाल था, हमारी नहीं उसकी, क्योंकि यार उन्होंने चैलेंज दिया था अपने दोस्त को। अब यार गाइस, यहां पे तुक्का से क्लच हो गया था तो हम एक बार जानबूझकर क्लच करना चाहते थे। और भाई साहब, हमने फ्लो में 2 बंदे नॉक भी कर दिए और तीसरे वाले पे प्री फायर दे ही रहे थे और अपने टीममेट को कवर भी दे रहे थे, लेकिन दिल से हम उसको मारना चाहते थे, लेकिन साला इसका चौथा वाला बंदा हमको अपना दिल दे दिया। और गाइज, आप हमारे किल पर मत जाओ, दिन भर में एक बार बोट लॉबी लगी जाती है। बोट लॉबी क्या, समझो लॉटरी लग जाती है।